गांवों में कोरोना बुरी तरह फैल रहा है और गांवों में आज भी टोने टोटके चल रहे हैं। गांवों की तरफ सरकार को देखना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको चौंका देगी। गांवों में मौतें हो रही है और गांव वाले टोने टोटके कर रहे हैं। पहले तो कोरोना शहरों में फैला और अब गांवों में तांडव मचा रहा है। गांवों में कोरोना से मौतें भी बेहिसाब हो रही हैं, लेकिन गांव वालों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना कितना घातक है और ना ही इन गांव वालों को कोई बैठकर समझाने वाला है। यह है मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिले का निपानिया बैजनाथ गांव। पिछले दो हफ्ते में कोरोना से यहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहां कोरोना का इलाज कैसे हो रहा है ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, निपानिया बैजनाथ गांव में कोरोना से बचने के लिए टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, गांव के बीचों बीच सड़कों के दो किनारों पर दो लोग बर्तनों में पानी लेकर खड़े हैं और नीम के पत्तों से लोगों पर पानी के छींटे मार रहे हैं। अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। गांव वालों का कहना है कि मंत्र पढ़ा हुआ पानी है, इसके छींटों से कोरोना भाग जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर बैजनाथ निपानिया गांव है। यहां 4000 की आबादी है इस गांव की और यहां पर इन लोगों को लगता है कि एक सेक्रेड वाटर जो है, एक मंत्रा हुआ पानी जो है इनके ऊपर फेंका जाए, उसके बाद ही इनका गांव में अगर प्रवेश हो तो वो कोरोना से बचेंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो देखने की बात है, लेकिन इन लोगों को जरूर ये लगता है कि ये जो मंत्रा हुआ पानी है इसकी वजह से ये कोरोना के कहर से दूर रहेंगे और उससे बचे रहेंगे। जहाँ ये छिड़काव किया जा रहा है उसके ठीक ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और उस पर भी अंधविश्वास की पोटली लटकी हुई। इस टोटके के लिए पहले पूरे गांव को खाली करवाया गया और उसके बाद मंत्र वाले पानी के छिड़काव और रस्सी के नीचे से लोगों की एंट्री गांव में करवाई गई ताकि कोरोना किसी गांव वालों को छू ना सके। गांव की पुरानी मान्यता है कि जब जब महामारी गांव में फैलती है, चाहे जानवरों में हो या मनुष्यों में हो, तब तब जो पांचारुंडी में स्थित देवनारायण मंदिर के यहाँ है, उस मंदिर के प्रति यहाँ के पूरे गांव वासियों की बड़ी आस्था है और वहाँ से कुछ अभिमंत्रित जल एक दिन पूर्व लाते हैं और फिर रात्रि में पूरे गांव में एक धार दी जाती है, पूरे गांव के आखिरी बाउंड्री पर छोर पूरे गांव की परिक्रमा लगाकर वो धार दी जाती है और सुबह से ही एक जो कुश होता है, जो पवित्र घास माना जाता है, उसकी एक रस्सी बनाई जाती है और देवनारायण मंदिर के यहाँ से जो अभिमंत्रित जल और नींबू दिए जाते हैं और वो यहाँ पर बांधे जाते हैं और पूरे गांव के, जब जानवरों की महामारी फैलती है तो पूरे गांव के जानवर यहाँ से निकाले जाते हैं और जब अब कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है तो इस पीरियड में यहाँ से पूरे गाँव के स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि दूसरे धर्मावलंबी मुसलमान समाज के भी यहाँ हैं, वो भी सारे इस परंपरा को पालन करते हैं। अकेला निपानिया बैजनाथ गांव ही नहीं है बल्कि इसके पड़ोसी गांवों में भी ऐसे ही टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। अब आगर मालवा के आवर गांव की तस्वीरें देखिए। गांव के मंदिर में हवन चल रहा है और गांव वाले गांव छोड़ छोड़ कर खेतों की तरफ जा रहे हैं। यहां अंधविश्वास की हद ही हो गई। इन गांव वालों को बताया गया है कि अगर ये गांव छोड़कर खेतों में खाना बनाकर खाएंगे तो कोरोना इनके पास भी नहीं फटकेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव वाले अपने अपने खेतों पर खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं। वो कोरोना की महामारी चल रही है पूरे देश में, इसलिए पूरे गांव के लोग और खेत पे जाकर अपने अपने खेत पर खाना बना के खा रहे हैं ताकि आओ माता मंदिर में हवन करवा रहे ताकि शांति हो इसके लिए। हमारे गांव आवर में लॉकडाउन है, गांव में कोई नहीं है, सुबह 7 बजे से गांव से बाहर है, सब बाहर भोजन वोजन करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हवन कर रहे हैं बजरंगबली गांव, शाम को 7 बजे सब गांव आएंगे। क्यों कर रहे हैं? ये जो कोरोना की चल रही है, माता जी ने बताया था कि गांव से बाहर जाओ हवन करो, उस हिसाब से हवन कर रहे हैं। आवर गाँव में भी पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है,
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इनकी मौत कोरोना से नहीं हुई। जो ये महाबीमारी चल रही थी, मारामारी किया, तो इनके लिए हमने हवन करवाया, हनुमान जी के अभिषेक करवाया, तो इनसे गांव खाली करवाया, तो इनसे हमको शांति मिली। अभी आपकी गांव की कोरोना की क्या स्थिति है? अभी अन टाइम पे कुछ भी नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, आज हमको ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई बीमार नहीं है। हमारे गांव में सर 20 लोगों की मौत हो गई। 20 लोगों की मौत हो गई, कोरोना से हुई? नहीं, कोरोना से नहीं हुई सर, कोरोना से 2 की हुई। पावर गांव की सच्चाई ये है कि यहाँ किसी ने कोरोना टेस्ट करवाया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि गांव में बुजुर्गों की मौत हुई है। आया है कोई टेस्ट करा? टेस्ट करने तो आए थे, बाकी सब कोई बीमार नहीं हुआ। गांव में घर में कोई बीमार नहीं है, बस बहाना बना लिया और क्या। किसी ने कराया नहीं? करवाया नहीं। और जो ये लोग मरे हैं, आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से मरे हैं? कोरोना में तो संभव नहीं, बुजुर्ग थे तो नहीं। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं बुजुर्ग थे, बगल वाले गांव में भी यही स्थिति है, वहाँ पे जवान भी मरे हैं, तो जांच करवा तो मालूम पड़े। गांव में फैलते इस अंधाधुंध अंधविश्वास से कोरोना खत्म नहीं होगा, बल्कि कोरोना से बचने के लिए उपाय करना जरूरी। टोने और टोटके नहीं, इलाज जरूरी है। अंधविश्वास की भट्टी में झोंकने से कोरोना भस्म नहीं होगा। जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण लोग अभी भी माता निकली है या माता जी के नाम पर या हनुमान जी के नाम पर टोने टोटके कर रहे हैं, और वो गांव से बाहर जा जाकर, उनका ये मानना है कि गांव से बाहर जाकर हम लोग एक दिन के लिए खाना बनाएंगे या कुछ इस टाइप से करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते उस प्रसाद को लाके घर में हम छींटेंगे और वो करेंगे, तो उससे हमारा ये जो कोरोना बीमारी है ये शांत हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि ये कोई प्रकोप है, ये देवी प्रकोप है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का सच ये है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से यहाँ 29 मौतें हुई हैं, जबकि इस जिले में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 613 आवेदन आए हैं, जिस पर मौतों का कारण कोरोना ही लिखवाया जा रहा है। आगर मालवा के गांव आवर में पिछले 15-20 दिनों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को नहीं मालूम मौत का क्या कारण है, कोरोना से मौत हुई है या नहीं हुई है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ। और टेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि लोगों के मन में डर है कि अगर सरकारी अस्पताल में चले गए तो उनको वहीं फेंक दिया जाएगा और उन्हें कोई सुध लेने नहीं आएगा। इसी वजह से इस गांव में और आसपास के गांव में लोग सरकारी इलाज के बजाय टोने टोटकों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और उसी के तहत आज यहां पर पूरे गांव वालों ने पूरे दिन भर गांव से बाहर डेरा डाला, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा करने से वो कोरोना से बच जाएंगे। कैमरामैन इरशाद खान और प्रमोद कारपेंटर के साथ हिमेंद्र शर्मा, आगर मालवा।